आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी जरूर दबाए। हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ 46 इंच कमर वाली 6 कली वाली पेटीकोट की कटिंग और सिलाई दोनों दिखाऊंगा मैं। तो जिसके लिए हमने कपड़ा लिया है 2.25 मीटर, ये आप देख सकते हैं 2.25 मीटर कपड़ा है। इसको हम डबल फोल्ड में करेंगे, ये डबल फोल्ड है। डबल फोल्ड से अब इसको हम 4 फोल्ड में कर देंगे, जैसे हम 4 तह कहते हैं, ये हमने 4 फोल्ड में कर दिया है। ये हमने 4 तह में कर दिया है, सीधे कर देंगे इस तरह से निशान लगा के। इसकी लंबाई नाप इस तरह से है, लंबाई 38 इंच, कमर 46 इंच, घेरा 70 इंच। तो अब हमें 6 कली काटनी है। तो ये हमारा 4 है, इधर से खुला साइड आगे की तरफ है, ये 4 पल्ला है। तो अब हम इसे 1/4 हिस्सा में लेंगे, 6.5 इंच पे कटिंग करेंगे इसको। ये 6.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। फिर यहाँ से हम लंबाई नापेंगे 38 इंच, इस तरह से 38 पे 38 फिक्स दे देना है, क्योंकि 2 इंच का बेल्ट लगेगा तो 2 इंच हम नीचे से मोड़ सकते हैं। तो ये 38 इंच पे हम फिक्स निशान लगा देंगे, ये हमने लगा दिया। फिर उस कोने से इस कोने पे फिर हम 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे, ये हमने लगा दिया है। फिर हम इस तरह से सीधा कर लेंगे लाइन को। अगर हम ऐसे भी पकड़ के उठा सकते हैं इस तरह से, या हम इस तरह से इंच टेप बैठा के इस तरह से सीधा स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये हमने निशान लगा दिया है, अब स्केल से इसको सीधा कर देंगे। साढ़े 6 इंच इसलिए लिए हैं कि 46 इंच कमर है, 46 इंच कमर है, 6.5 इंच लिए हैं। तो 6×6=24 हो गया, ये 4 पल्ले, 24 ये हो गया 48 इंच, और 1/2 इंच दब जाएंगे तो ये 46 इंच पे ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये जो निकला है ये हम बेल्ट के लिए रखेंगे। अब हम इसी निशान पर कटिंग करेंगे। ये हमने इस तरह से, ये देख सकते हैं बंद साइड जो था 4 पल्ले, वो बिल्कुल स्ट्रेट तरफ ले लेंगे, इस तरफ बंद साइड की तरफ ये हम बराबर कर दिए हैं। फिर हम इसको इस तरह से दोनों को बराबर कर देंगे। अब ये जो हमारा फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, इसको हम बराबर से काटेंगे। ये हमने काट दिया। अब ऊपर की साइड भी फालतू कपड़े होंगे, उसको भी हम देखते हैं। ये भी बराबर नहीं है, इसको भी हम बराबर काटेंगे, क्योंकि एक तरफ ओरेब एक तरफ सीधा है, इस वजह से ये ऊपर नीचे होता है। वो मैं बता दूं कि किधर सीधा किधर ओरेब है। ये देख सकते हैं आप, ये कोड़ वाला कपड़े जो है ये सीधे की साइड है, ये ओरेब है। ये हमारा पेटीकोट की कटिंग हो गया है। ये देख सकते हैं ये 4 पल्ला है, 6 कली का बताया था मैं, 1, 2, 3, 4 और 2 कली ये है, ये बड़े बड़े कली हैं, ये 13 इंच की कली होंगे, वो मैं आपको नाप के भी दिखा दे रहा हूं। ये देख सकते हैं आप, तो ये हमारी पेटीकोट की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट काटेंगे। कमर 46 इंच था तो हम इसे 50 इंच पे काटेंगे, जैसे कि ये 25×50 है। कपड़ा डबल है, ये देख सकते हैं आप, हम 25 पे काटेंगे तो 50 आएगा। हमारा पेटीकोट की कमर है 46,
तो उस हिसाब से फिर जो बचेगा एक्स्ट्रा वो हम दबाव में डाल देंगे। फिर हम इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा देंगे, 4.5 इंच पे। बेल्ट की चौड़ाई है 4.5 इंच, 2 इंच तैयार आएंगे ये इस तरह से, फिर मुड़ जाएंगे। वो मैं अभी आपको काट के दिखा दे रहा हूँ। इससे हम नारे निकाल लेंगे डोरी पेटीकोट में डालने के लिए। अब फिर ये जो बंद साइड है जो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताया था कि डबल कपड़े हैं, इसको भी बीच से हम काट देंगे। अब इन दोनों को बीच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर हम इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे तो हमारा 2 इंच का बेल्ट तैयार आएगा। तो ये हमारी पेटीकोट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई दिखाएंगे, पेटीकोट किस तरह से सिलना है। ये देखिए, ये चारों पल्ले को हमने अलग कर लिया है, छोटे वाले चारों पल्ले ये हमने अलग कर लिया, ये बड़े पल्ले हैं। ये हमने बड़े पल्ले को खोल दिया है। अब दोनों छोटे पल्ले, चार पल्ले जो हैं, दो दो पल्ले दोनों साइड में हमें जोड़ना है। जो मैं आपको बताया था पहले कि बड़े पल्ले में दोनों पल्ले छोटे पल्ले को जोड़ना है, तो ये देख सकते हैं ये छोटे पल्ले हैं, हमने दोनों साइड से जोड़ दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये बड़ा पल्ला है बीच का और ये छोटे छोटे पल्ले हैं, तो दोनों साइड से जोड़ दिया है। हमने इसको भी इसी तरह से जोड़ा है, देख सकते हैं। अब हम इसे एक सीधी एक उल्टा करके इस तरह से रख लेंगे और फिर हम ये बीचों बीच सिल देंगे। इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इस तरह से सिल देंगे जैसे हमने इसमें सिलाई लगाया उसी तरह से इसमें भी लगाना है। फिर हम आगे की साइड यहां से इतना कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम मोड़ देंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले ये सिलाई लगा लूं। ये हमने सिलाई लगा दिया बीच का, देख सकते हैं आप। अब हम इसको, ये दोनों पल्ले को जो खुला हुआ साइड है, ये अब हम दोनों पल्ले को यहाँ कट लगा देंगे इस तरह से। फिर अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इस तरह से डबल फोल्ड में इसको इस तरह से मोड़ना है हमें। दूसरे पल्ले भी इसी तरह से मोड़ जाएंगे। अब हम बेल्ट जोड़ेंगे, बीच में जोर लगाएंगे जो हमने बोला था कि इसमें जोर है, तो ये हम इस तरह से सिल देंगे। ये हमने सिल दिया है। अब हम इस बेल्ट को किस तरह से रखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने उल्टे की साइड से रखा हुआ है कपड़े को, और ये बेल्ट को भी हम इस तरह से रखेंगे। पहले हम इसका कोड इस तरह से मोड़ लेते हैं, इस तरह से। ये हमने कोड मोड़ लिया, देख सकते हैं आप। इस जो हमने मोड़ा है उससे मिलाते हुए बराबर करके फिर हम इस पर सिलाई चलाएंगे। अब फिर हम इस तरह से इसको, जैसे हमने उसमें मोड़ा था, इसको इस तरह से ऐसे मोड़ देंगे, फोल्ड कर देना है। ये आप देख सकते हैं हमने मोड़ दिया है। अब हम इसको इस तरह से नाखून मार देंगे, इतना मोड़ के इस तरह से। ये हमने नाखून मार दिया है। अब हम इसको इस तरह से, ये सिलाई को ढकते हुए यहाँ इस तरह से हम रखेंगे, और इसके लब पर किनारे पे सिलाई लगाना है हमें। ये देख सकते हैं आप, हमने इस तरह से सिलाई लगाया। अब हमें इस पर एक पैर की सिलाई और लगानी है, जिससे हमें, इससे भी हम तैयार कर सकते हैं, इस पर सिलाई भी नहीं भी लगाएंगे तो भी, लेकिन हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं कि इसकी मजबूती बढ़ जाएगा, तो हम एक पैर की यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं हमने डबल सिलाई लगा दिया इस पर। अब हम इसको इस तरह से डबल कर देंगे उल्टे की साइड से, ये बराबर कर लेंगे हम। ये हमने बराबर कर लिया, फिर हम यहां से सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा दिया है, देख सकते हैं।
अब हम नीचे कैसे मोड़ेंगे ये मैं आपको बता दूं, इसमें नाखूनी नहीं मारनी है, नाखूनी से नाखून मारने से ये खिंच जाता है, तो हम इसको इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इस तरह से करते जाएंगे। ये हमने इस प्रकार से मोड़ दिया है, अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो हम हाथ से इस तरह से मोड़े हैं, क्योंकि ये नीचे का पल्ला बड़ा होता है, तो हम इसको लूज देते हुए जाएंगे ताकि ये सेट बैठ जाए। आप चाहें तो फ्रिल लगा सकते हैं, इसकी लेंथ कम करनी पड़ती है। ये हमने पेटीकोट तैयार कर लिया है, देख सकते हैं आप, छह कली के, एक दो तीन, इसी तरह से तीन इस तरफ है, एक दो तीन, ठीक है। ये हमने पेटीकोट तैयार कर दिया है, ये हमारे पेटीकोट की कटिंग सिलाई कंप्लीट हो गई।